समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से अखिलेश यादव और नीरज शेखर के बीच तनाव चल रहा था। दरअसल लोकसभा चुनाव में वो अपने परिवार की परंपरागत सीट बलिया से टिकट मांग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद से वो लगातार नाराज चल रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीरज शेखर आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2020 में बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेज सकती है। हालांकि नीरज शेखर ने अपने इस्तीफे की वजह निजी वजहों को बताया है। बताया जा रहा है कि उनका इस्तीफा भी राज्यसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। तो वहीं नीरज शेखर के इस्तीफे पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने खबरों को गलत बताया है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें नीरज शेखर देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी महासचिव और राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।